टॉपिक हमारा क्या है? लाइफ सेविंग रूल्स। लाइफ सेविंग रूल्स क्या है ये? कुछ समझ आती है? लाइफ सेविंग रूल्स क्या हो सकती है, क्या चीज हो सकती है? जिंदगी को महफूज करने के कुछ असूल हैं जो के सेफ्टी मुतारफ हुई तो फिर कुछ रूल्स बनाए गए कुछ कंपनियों के, जिस तरह यूएई में एडनॉक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके कुछ लाइफ सेविंग रूल्स हैं। हर कंपनी कोशिश कर रही है, एक तो सेफ्टी ने बनाए हुए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये लाइफ सेविंग रूल्स हैं, जिंदगी को बचाने के असूल हैं। लेकिन कंपनियां कोशिश कर रही हैं बढ़ चढ़ कर कि हम इसमें कोई और रूल ऐड कर सकें, ऐसा कि जिसको ऐड करके और जिसको बंदों को जिसकी ट्रेनिंग दे के और बंदे उसको अडाप्ट करके उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करवा के एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके। तो क्या करें कि हम जो है ज़िंदगी को बचा सकें, हादसा कम से कम हो। लाइफ सेविंग रूल को शॉर्ट में LSR भी कहते हैं। LSR से क्या बनता है? लाइफ सेविंग रूल। इंटरव्यू तगड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ सेविंग रूल या व्हाट इज LSR? शॉर्ट में कुछ बंदे पूछते हैं LSR, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेमस जो है ना एक क्वेश्चन है। LSR को पूछता है अगर तो किसी को पता है कि LSR लाइफ सेविंग रूल है, मतलब के ट्रेंड आदमी है, उसको रूल्स का पता होगा। अब रूल्स हैं क्या क्या? पहला आ जाता है परमिट टू वर्क। ये लाइफ सेविंग रूल में इसका क्या ताल्लुक है, इसको क्यों परमिट टू वर्क को लाइफ सेविंग रूल में रखा है? इसलिए रखा है जब भी आप कोई काम करने जाओगे, अगर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि एक एरिया में चले जाओ, वहाँ पे क्या जो है वाटर की लाइन है, उसका जो है ब्लाइंड वो रिमूव करना है। आप यहाँ से जाते हो वाटर का ब्लाइंड रिमूव करने के लिए, वैसे ही पानी में तो कुछ नहीं होता, ब्लाइंड रिमूव करने के लिए जाते हो तो आप क्या है वहाँ पर कोई टॉक्सिक गैस की लाइन है, टॉक्सिक गैस की लाइन है, उसका ब्लाइंड निकाल देते हो तो क्या होगा? परमिट टू वर्क का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर परमिट टू वर्क के ऊपर एक तो एक्टिविटी लिखी जाती है आप लोगों ने करना क्या, दूसरा उसके ऊपर इक्विपमेंट नंबर लिखा जाता है जो एरिया में मौजूद होगा, आप उस परमिट टू वर्क के ऊपर जो इक्विपमेंट नंबर होगा उसको मैच करेंगे जाके। मैच नहीं हो रहा तो मतलब आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, जिसके साथ मैच करेगा मतलब के जो इक्विपमेंट नंबर एरिया में एक होगा दूसरे किसी इक्विपमेंट का नहीं होगा, तो इसलिए आपने उस इक्विपमेंट को जाके देखना है, जब वो मिल जाएगा तो उसके ऊपर आप बिना किसी से पूछे काम कर सकते हो। उसके ऊपर तमाम हैज़र्ड लिखे होते हैं, उसके ऊपर उसके तमाम जो हैं प्रिकॉशन लिखे होते हैं, तमाम लोगों की जो है वो अप्रूवल होती है, तमाम लोगों ने उसको चेक कर लिया होता है। समझ आई है कि ये परमिट टू वर्क किस तरह से हमारी लाइफ को सेव करता है। दूसरा अगर हम देखते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या चीज है? ऐसी तंग जगह जहां से नॉर्मल तरीके से आना जाना मुश्किल हो, बंदा नॉर्मल तरीके से ना आ जा सके। फॉर एग्जाम्पल ये सामने टैंक है, इसके नीचे एक मेन डोर बना होता है गोल सा, ठीक है, जिसको बोल्ट लगा के उसके आगे ब्लाइंड लगा के उसको बंद किया जाता है। तो जब भी उसको खोलते हैं उसका सिर्फ पूरे टैंक का एक ही रास्ता है, ठीक है, निकलने का। उसमें वर्कर क्या है, पहले सर अंदर लेके जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं, या फिर पहले टांगे आगे करते हैं और फिर जो है अंदर उसके दाखिल होते हैं, ठीक है। ऐसी एंट्री जहाँ पे आना जाना मुश्किल हो, जहाँ पे गुजर मुश्किल हो, नॉर्मल तरीके से ना हो, तो वो क्या कहलाता है? कन्फाइंड स्पेस। जब कन्फाइंड स्पेस का काम आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस होती हैं। सबसे पहले हम वहाँ पे जो है गैस टेस्ट करते हैं, वहाँ पे विंड चेक करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन चेक करते हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं, काम क्या करना है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक तो हमारा परमिट है, अगर हमने हार्डवर्क करना है उसके अंदर, एक तो हमारे पास हार्डवर्क परमिट होगा, दूसरा होता है CSE सर्टिफिकेट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट,
उसके ऊपर लिखा होता है, जो वहां पे एरिया ऑपरेटर होगा उसको पता है इसके अंदर कितने बंदे एट अ टाइम जा सकते हैं, 3 बंदे, 4 बंदे, 1 बंदा इसके अंदर अलाउ नहीं होता। तो वहां पे लिखा होता है मैक्सिमम 8 बंदे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 बंदे जा सकते हैं, ना उससे कम ना ज्यादा कोई बंदा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वो चीज़ें सारी उसके ऊपर उसके हैज़र्ड लिखे होते हैं, प्रिकॉशन लिखे होते हैं, उन्होंने उसकी आइसोलेशन कर दी होती है मुकम्मल। तो सारी चीज़ें करने के बाद जब हमें कन्फाइंड स्पेस में भेजा जाता है तो हम बिल्कुल सेफ होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है इंडस्ट्री में, कन्फाइंड स्पेस में इस बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसको लाइफ सेविंग रूल में ऐड करके कवर कर लिया गया। ड्राइविंग, ये ड्राइविंग क्या है, प्लांट के अंदर भी ड्राइविंग होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में भी ड्राइविंग होती है, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में भी ड्राइविंग होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में कैसी ड्राइविंग होती है, ट्रैवलिंग क्रेन ट्रैवलिंग कर रही होती है, फोर्क लिफ्टर एट अ टाइम चल रहा होता है। नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियाँ चल रही होती हैं। सबसे पहले हमने क्या है कि वहाँ पर जो जितने भी हमारे टर्न आ रहे हैं वहाँ पर हमने कन्वेक्स मिरर लगाया हुआ है कि नहीं, ताकि आगे को बिल्डिंग है तो उस साइड से हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यू टर्न से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, कन्वेक्स मिरर से हमें पता चलेगा कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। ड्राइवर की मुकम्मल जो है उसका लाइसेंस होना चाहिए उस कंट्री का, और उसकी बकायदा से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पता हो कि मैंने इस एरिया में 20 किलोमीटर पर आर गाड़ी चलानी है या 25 किलोमीटर पर आर गाड़ी चलानी है, कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, गाड़ी को मैंने पार्क कहाँ करना है और कैसे पार्क करना है। मतलब यहाँ पर एक कोई आम सी इंडस्ट्री है, कोई वैसे टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोग गाड़ियाँ लेके आती हैं अपनी, वहाँ पे वैसे ही खड़ी करते हैं और चाबी जो है उसकी की जो है बंद करके निकाल के ले जाते हैं और उसको लॉक करके चले जाते हैं। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पेट्रोल गाड़ियाँ भी होती हैं, डीजल भी होती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में वहाँ पर एक तो पेट्रोल गाड़ी नहीं होती, डीजल गाड़ी होती है, दूसरा गाड़ी को हमने बैक करके खड़ा करना है, रिवर्स करके, यानी कि उसका मुँह रोड की तरफ हो, ठीक है, बैग लगाना है, दूसरे नंबर पर चाबी उसके अंदर छोड़नी है, जिसकी भी गाड़ी है चाहे वो वहाँ का CEO ही क्यों नहीं है। अगर एमरजेंसी होगी तो जो जिस बंदे को एमरजेंसी हुई है, जो बंदा वहाँ पे आएगा निकलने के लिए, कोई उसके लिए रास्ता नहीं है, चीज़ नहीं है, तो उसी टाइम गाड़ी में बैठेगा, सेल्फ लगाएगा और निकल जाएगा एरिया से, समझ आई है। या तो वो बंदा खुद एमरजेंसी हुई है, मेरी गाड़ी है तो मैं आऊँगा अपनी गाड़ी को जल्दी से निकाल के ले जाऊँगा, अगर मैं मुझे किसी और ने पिक कर लिया, गाड़ी खड़ी है, कोई पीछे से और बंदा आ गया, वो ये नहीं देखेगा किसी और की गाड़ी है, वो उस गाड़ी को लेगा और निकल जाएगा, ये अथोराइजेशन होती है उनके पास। और जो है रात को आपने जो है लाइटें रोशनी जो है वो अपनी लाइटें जला के रखनी है, इंडिकेटर प्रॉपर देने हैं, जब आपने टर्न लेना है, जब आपने रोड के कॉर्नर पर बॉर्डर पर खड़ी करनी है तो डबल इंडिकेटर लगाना है आपने, लाइटें जब आगे से कोई गाड़ी आ रही है लाइटें मदम कर लेनी है ताकि उसको कुछ नज़र आए, और अपनी साइड पे रहना है और इंस्पेक्शन इसकी मुकम्मल, सारी चीज़ें क्या है कि ये ड्राइविंग सेफ्टी में आती हैं। चौथा आता है एनर्जी आइसोलेशन। अब एनर्जी आइसोलेशन क्या चीज़ है, आइसोलेट कहते हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है, किसी चीज़ को, कोई चीज़ का कनेक्शन है तो उसको कट ऑफ कर देना, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी आइसोलेशन। इसको बेसिकली एनर्जी आइसोलेशन में इस्तेमाल होता है लोटो, LOTO, लोटो लॉग आउट टैग आउट सेफ्टी सिस्टम। क्या है, जब भी हमने कहीं पे कोई काम करना है किसी इक्विपमेंट के ऊपर तो हमेशा इंडस्ट्रीज में DB लगी होती है, ठीक है, DBs लगी होती हैं, वो क्या है कि उसके अंदर से कनेक्शन आगे इक्विपमेंट में आ रहा होता है। हमने इक्विपमेंट पे काम करना है, हम क्या करेंगे, वो अगर कोई पावर मोटर है, ठीक है, पावर मशीनरी है, तो उसको एनर्जी आइसोलेट करेंगे, पीछे से उसको क्या है कनेक्शन उसका कट ऑफ करेंगे, वहाँ पर लोटो अटैच कर देंगे, लॉक होता है एक रेड कलर का वो लगा देते हैं, साथ में एक टैग होता है जिसके पास ऊपर लिखा होता है डू नॉट ऑपरेट, ठीक है, डेंजर, समझ आई है, वो लगा देते हैं, पता चल जाता है आने वाले को, किसी भी बंदे को, कि इसको हमने चलाना नहीं है, उसको लॉक होता है, बकायदा वो चला सकता भी नहीं है, जो ऑपरेटर होता है जिसने उसको लॉक किया वही उसको अनलॉक कर सकता है, तो आगे वाला बंदा बिल्कुल
नॉर्मल होकर काम कर सकता है, उसको ये खतरा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ पीछे से कोई ऑन ना कर दे। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी आइसोलेशन। क्या कहते हैं? एनर्जी आइसोलेशन। टॉक्सिक गैसेस। अब ये टॉक्सिक गैसेस कौन सी हैं? जिस तरह H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी जितनी भी गैसें हैं, ये अमोनिया हो गई इसमें, जिस तरह जितनी भी गैसें हैं टॉक्सिक गैसेस हैं। तो अब टॉक्सिक गैसेस क्या है, इसको इसमें रखा गया ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, या वैसे भी नॉर्मल इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं इन गैसेस का इस्तेमाल होता है। H2S ऐसी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर मुझे यहाँ पे एक छोटी सी मिकदार में लग जाती है तो वहाँ पे क्या है, एट द स्पॉट क्या है, बंदा बेहोश हो जाता है। थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा हो तो बंदे की सडन डेथ हो जाती है, उसी टाइम बंदे की मौत हो जाती है। तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया गया लाइफ सेविंग रूल में कि इसकी, इसको अडाप्ट करके इसकी सेफ्टी को, ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। मतलब एक छोटा सा सेफ्टी मोनिटर क्लिप होता है, सेफ्टी क्लिप होता है, टॉक्सिक क्लिप कहते हैं उसको, ठीक है, पर्सनल टॉक्सिक क्लिप भी कहते हैं उसको, हर बंदे के पास होता है ऑयल एंड गैस में, वो वहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच करते हैं, छोटा सा मोनिटर होता है, और वो जो है एरिया में अगर बंदा घूम रहा है कहीं से कुछ हल्की सी भी को कहीं से गैस आती है 10 PPM, तो वो उसी टाइम, एक तो लाइटें उसकी जलती हैं, बहुत तेज़ लाइटें होती हैं, रेड लाइट जलती है, और दूसरा क्या है, वो वाइब्रेट करता है, तीसरा क्या है, उसका साउंड आता है, ठीक है, बीप का जो है वो साउंड देता है, और वो शोर करता है, जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा चीज़ को वाइब्रेट हो रही है साथ। अगर हमें लाइटें नज़र नहीं आती, रात है तो हमें लाइट नज़र आ जाएगी, अगर हमें उसकी साउंड समझ नहीं भी आया, साउंड हमें नहीं भी सुना प्लांट के शोर में, तो रात है तो लाइटें नज़र आ जाएंगी। अगर रात नहीं है, दिन है, लाइटें नज़र नहीं आई और मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे कान के करीब होता है। अगर मुझे साउंड नहीं सुना तो क्या है, वो वाइब्रेट कर रहा है, मेरी बॉडी को टच होगा इस तरह करके, जिस तरह गुदगुदी करते हैं इस तरह वो फील होता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस एरिया में गैस है, और मैं क्या है, विंड सॉक को देखूंगा, और अप विंड जो है ये क्रॉस द विंड, मैं वहाँ से मूव कर जाऊँगा। समझ आई है? वर्क एट हाइट। अब वर्क एट हाइट क्या है, आपको पता है जहाँ भी कोई भी इंडस्ट्री हो, जिस तरह की भी हो, उसमें वर्क एट हाइट होता ही होता है, लाजमी बात है। कहीं पे भी हमने 4 feet अबव द ग्राउंड, 4 feet बिलो द ग्राउंड काम करना है, तो हमें क्या है, सेफ्टी हार्नेस पहनना है, ठीक है, वहाँ पे जाके हमने सेफ्टी हार्नेस पहनना है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना है, 100% टाई ऑफ करना है, तो क्या है कि हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, ठीक है। वर्क एट हाइट को शॉर्ट में WAHB कहा जाता है। समझ आई है? सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग क्या है? कोई भी हमने लोहे की चीज़ है, कोई इक्विपमेंट है, बड़ा इक्विपमेंट है, हमने उसको उठाना है, तो क्या है, रिगिंग सुपरवाइज़र, रिगिंग टीम सबसे पहले उसको क्या करते हैं कि एक रिगिंग प्लान बनाते हैं कि हमने कहाँ से लोड को उठाना है, कहाँ पे लोड को हमने रखना है, सब कौन से हमने इसके ऊपर स्लिंग्स यूज़ करने हैं, कौन सी वेब करेंगे, चैन करेंगे, वायर रोप करेंगे, कौन सा शैकल इस्तेमाल करेंगे, क्रेन कितने टन की लगेंगी, और जहाँ से लोड को उठाना है, जहाँ पे रखना है, तो क्या इजीली हम उसको रख सकते हैं, लोड का वेट क्या है, क्रेन कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें देख के बंदे हमारे कंपिटेंट हैं, लोड को उठा के दूसरी जगह रखना है, स्क्रू पाथ बनाना है बकायदा से, तो जो एरिया में जिसमें रेडियस होगा क्रेन का, बूम होगा, तो वहाँ पर उस एरिया को बकायदा से बैरिकेड करना है, सस्पेंडेड लोड के नीचे कोई ना आए, तो ये किस में आता है, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग में आता है। आगे आता है हार्ट वर्क।
हार्डवेयर क्या चीज़ है? कहीं भी हम काम करते हैं ग्राइंडर के साथ, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, तो वहाँ पे जो स्पार्क पैदा होता है, ऐसा कोई भी काम जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन पैदा होता है, जिसमें स्पार्क पैदा होता है, वो क्या होता है? हार्डवर्क होता है। हार्ट किसको कहते हैं? गर्म को। जहाँ स्पार्क पैदा होगा, जारी सी बात है, उसको हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेगा, ठीक है, वो क्या है? हार्डवर्क है। हार्डवर्क जब भी हमने करना है तो वो क्यों इसको लाइफ सेविंग रूल में ऐड किया गया है कि आपने वहाँ पे फायर वॉचमैन खड़ा करना है। फायर वॉचमैन होगा, वो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उस एरिए को बिल्कुल क्लियर कराएगा, फ्लेमेबल लिक्विड कम्बस्टिबल जो है, ये कम्बस्टिबल मटेरियल जितना भी होगा इन सब को रिमूव करवाएगा, एरिया क्लियर करवाएगा, फिर उसके बाद जो है परमिट होगा, और उसके बाद जो है वो अपने इक्विपमेंट फायर एक्सटिंग्विशर रखेगा, फायर होज पाइप रखेगा वहाँ पे, और फिर उसको गो हेड, उसके पर्सनल पीपीज पूरे करवाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर बंदे को गो हेड देगा कि आप काम कर सकते हैं। तो फिर क्या है? सेफ एंड साउंड तरीके से काम को किया जा सकता है। लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर क्या चीज होती है? इधर से कटर चला तो सामने बंदा खड़ा है, स्पार्क बम के पास आएंगे तो लगेगा कि ये भी लाइन ऑफ फायर है। कोई भी ऐसी जिस्मानी पोजीशन कि कोई बंदा काम कर रहा है, कोई जिस्मानी पोजीशन मैं ऐसी बना लेता हूँ कि कोई नुकसान होगा तो वो बाकायदा से मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। आगे कोई बंदा हैमरिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हैमर चला रहा है जोर जोर से, मैं आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा, उसके हाथ से निकल सकता है, जारी सी बात है हाथ से निकल सकता है, वो ऐसे करेगा तो सीधा आगे जाएगा, आगे मैं खड़ा हूँ तो जारी सी बात है वो मुझे हिट करेगा, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? लाइन ऑफ फायर में खड़ा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? साइड पे खड़ा होना चाहिए। अब कोई चीज़ है, यहाँ पे दीवार है, कोई गाड़ी आ रही है, मैं उसको कॉशन दे रहा हूँ कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उसकी हो सकता है वो ब्रेक पे पैर आने की बजाय रेस पे आ जाए, वो गाड़ी जैसे ही आएगी वो किसे हिट करेगी? मुझे हिट करेगी। तो अगर मैंने कॉशन देना है, मैंने साइड पे खड़े होके उसको कॉशन देना है। सस्पेंडेड लोड क्रेन ने उठाया हुआ है, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? लाइन ऑफ फायर में हूँ। लोड गिरेगा तो मेरे ऊपर आएगा, मैं वहाँ पे लाइन ऑफ फायर में कौन है? मैं हूँ उस वक्त। मैं साइड पे हट जाता हूँ तो मतलब कि मैं लाइन ऑफ फायर से साइड पे हो गया हूँ, अब वो लोड गिरेगा तो मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। तो लाइन ऑफ फायर जो है, मोस्टली जो है एक्सीडेंट होते हैं वो लाइन ऑफ फायर में आने की वजह से ही होते हैं। बंदा अपने आप को लाइन ऑफ फायर से बचा के रखे तो वहाँ पे हादसा ज़रूर होगा लेकिन बंदे को नुकसान नहीं होगा, लाइन ऑफ फायर से बंदा दूर रहे। बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल, अब हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं, जितनी भी सेफ्टी को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि सेफ्टी को कभी भी बाईपास नहीं करना, लेकिन ये लाइफ सेविंग रूल में यहाँ पे वो कहता है कि बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल, यहाँ पे आपने सेफ्टी को बाईपास करना है। क्यों करना है? कोई एक बंदा रीज़न बता सकता है? करना पड़ जाता है, लीगल है, करते हैं सेफ्टी को बाईपास, लेकिन कहाँ करते हैं और कब करते हैं? या स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं किसी कंपनी में, आप जाओ ना, स्मोक डिटेक्टर होते हैं वहाँ पे कोई हल्का सा, या कमरों में रिहाइश होती है आपकी, वहाँ पे वो हल्का सा छत के साथ इतना सा डिटेक्टर लगा होता है, तो वो उसमें सुराख होते हैं, जैसे ही कोई बंदा अंदर सिगरेट पीता है तो धुआं ऊपर जाता है, सायरन बजना शुरू हो जाता है बाहर कि यहाँ पे कोई फायर हुई है। जाहिर सी बात है जब आग लगती है तो आग का धुआं भी होता है, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं धुआं कैच करे और सायरन दे, अलार्म बजाए और उसी वक्त उस एरिया को खाली कर दिया जाए और उसको आग को बुझाया जाए। अगर मैंने यहाँ पे काम करना है, मैंने हार्डवर्क करना है, जारी सी बात है उसमें से धुआं तो निकलेगा, वेल्डिंग करनी है, अब वो स्मोक डिटेक्टर में जब धुआं जाएगा तो वो अलार्म बजाएगा, अलार्म बजाएगा तो पूरे एरिया के लोग पैनिक हो जाएंगे, वो जो है परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे कोई हादसा हो गया, फायर हो गई है, तो ये क्या है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका बाकायदा से इजाज़त लूँगा और काम करने से पहले वहाँ उस स्मोक डिटेक्टर को क्या है, बंद कर दूँगा, उसका जो कनेक्शन है वो ऑफ कर दूंगा,
ये होता है बाईपास कर सकते हैं हम इस तरीके से सेफ्टी को, बाईपासिंग सेफ्टी रूल। अब वो रूल क्या था, वो सेफ्टी का रूल है, स्मोक डिटेक्टर लगाया, लेकिन काम करना है उसको बाईपास कर दिया। बाईपास क्यों किया, ताकि बंदे परेशान ना हो, बंदे को कहीं असम्बली पॉइंट पे जाएंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, बंदे घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया, अपना अपना काम छोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने उसको क्या करना है, बाईपास करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बाईपास कर सकते हैं नुकसान से बचने के लिए। ये नहीं है कि हाइट पे जाना है और उसको गर्मी लग रही है और वो सेफ्टी हार्नेस ही ना पहने। यहाँ पे आपने बाईपास नहीं किया, यहाँ पे आपने बाईपास तो किया, वायलेशन की है, वायलेशन की है, और इस वायलेशन के लिए उसे नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, बंदा नीचे गिरेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली हमने उस कंट्रोल को बाईपास करना है जिससे हमें फायदा हो, ना के नुकसान हो। अरे LSR जो है ये 10 हैं, अगर ये 10 मेन हमारे LSR हैं, तकरीबन इनमें ऑलमोस्ट तमाम काम कवर हो जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी पीछे बचती नहीं है कि जो इसके बाहर हो या इससे अलहदा हो। इनको अडॉप्ट करके कंपनियां कहती हैं, स्टैंडर्ड कहता है कि बंदा अपने आप को 100% जो है वो सेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको लेके कितना सीरियस हैं, कितनी हमने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, कितना हमारा एक्सपीरियंस है, कितनी हमें हावना हुआ है इसके बारे में, तभी हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं।